पे कि वो पीछे से जाए बैकस्टैप करने की कोशिश करे, ओपनिंग फ्रैग निकाले एंड वो ओपनिंग उनको मिला है। एक्सपार्क के खिलाड़ी एक के बाद एक धीरे धीरे करके क्लोजिंग करे, उनको पता है ये ओपनिंग का पूरा फायदा अगर वो नहीं उठा पाए तब वापस से उसी कोल्ड वॉर में उनको बैकआउट करना पड़ेगा एंड इसमें वो वापस नहीं जाना चाहेंगे। सीक्रेट नेट का इस्तेमाल कर जरूर है बट कुछ खास डैमेज उसमें होगा नहीं बिकॉज उसी जगह पर प्लेयर थी नहीं। ट्रॉय गए हैं गांधीनगर को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए बट उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सोमराज दूसरे एंड पे रहेंगे। सीक्रेट एंड सोमराज का एक क्रॉस फायर सेटअप यहाँ पे बनाने की कोशिश में है वो, अगर वो सक्सेसफुल होता है एक्सपार्क के लिए मुश्किल हो सकती है। आदित्य को नीड से नॉकआउट किया जाएगा, सोमराज का ऑन पॉइंट नीड मुश्किलों में डालता हुआ एक्सपार्क को, पर देखिए रिवाइवल जरूर हो गया है। पुकार ने भी एक नेट डाला है जिससे सीक्रेट को फिलहाल के लिए नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है। आदित्य को रिवाइवल देना क्या एक प्रायोरिटी लेंगे वही बड़ा सवाल है। एक्सपार्क एक और ग्रेनेड को कर रहे हैं, आई थिंक प्रो एंड गमला बॉय दोनों का पोजीशन पता है। फिलहाल के लिए ग्रेनेड सही जगह पे जाना भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेनेड गया है जरूर बट आदित्य को रिवाइवल देना आसान नहीं रहने वाला है। स्काउट जो कि इंतजार कर रहे थे वो भी आदित्य के साथ बचे थे, फ्री एंगल में ही दिया जाएगा। ट्रॉय को नॉकआउट मिल भी जाता है फिलहाल के लिए तो, एंड अकेले यहाँ पर गमला बॉय और कॉम्रेड के ऊपर प्रेशर आने वाला है, देखते हैं क्या कर पाएंगे। स्काउट ऊपर चढ़ जाते हैं फिलहाल के लिए, रुकेंगे नहीं, एक स्मोक डाल देते हैं ताकि उनको एक थोड़ा सा कवर मिल जाए। हीलिंग के नाम पे उनके पास सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक ही रहने वाला है। ओबे के कलान इसी बीच में हो जाते हैं, विजगॉड के हाथ में नॉकआउट, गमला बॉय को पीछे से सोल का थर्ड पार्टी आ जाता है इसी बीच में एंड ये नॉकआउट बहुत वैल्यूएबल होगा। गॉब्लिन का ग्रेनेड आदित्य को भी नॉकआउट करेगा, सोल ये थर्ड पार्टी से फिनिशेस एक के बाद एक बटोरने में ही इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। सारंग के ऊपर पुश करने के लिए तैयार, गॉब्लिन के साथ ही यहां पर रहने वाले उनके साथ किया गया है नॉक और किया जाएगा कंफर्म। गॉब्लिन गए, दो फिनिश पॉइंट्स अपने नाम लिया, हेक्टर भी उनके साथ मौजूद और यहां से वीएसटी की टीम जो है धीरे धीरे करके देखिए नॉक्ड आउट प्लेयर्स ना बैक ऑफ कर गए। लेकिन अगर मिनी मैप फॉलो कर रहे तो अक्षित को यह आइडिया लग चुका है कि भाई कोई तो है क्लोज रेंज में। What was that angle getting held down? And ये angle से भी नहीं बच पाए, गमला बॉय को किया जाएगा confirm और इसी के साथ अकेले एक प्लेयर बचे हुए सोमराज। एक्सपार्क की तरह से however, स्काउट एंड पुकार दोनों बचे हुए हैं, बैक ऑफ।